हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पानी पूरी ठेला स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आप पुदीना लीजिए और उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। क्लीन कैसे करना है सब्जियों को, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद हमें 100 ग्राम मिंट लीव्स लेने हैं और डंडियों के साथ आपको पुदीना लेना है, डंडिया फेंकनी नहीं है। उसके बाद आपको 2 हरी मिर्च मोटी वाली लेनी है, 1 स्पाइसी ग्रीन चिली लेनी है यानी छोटी वाली मिर्च लेनी है जो स्पाइसी होती है, और ड्राई फीकी वाली हमें लाल मिर्च लेनी है। उसके बाद स्पाइसी मीडियम वाली मिर्च लेनी है, 2 से 3 ये आप लेंगे, और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ग्राइंडर में ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। लाल मिर्च जो हमने 2 अलग अलग प्रकार की ली है वो सब डाल दीजिए, और ग्रीन वाली मिर्च डालिए। उसके बाद आप उसमें अदरक डालिए, उसके बाद आप उसमें लहसुन डालिए, और ये हमारा क्लीन किया हुआ पुदीना हम इसमें डालेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि पुदीना डंडी सहित लेना है, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको थोड़ा सा ही पानी डालना है, जो हम किसी भी प्रकार की चटनी बनाते हैं तो उसमें जितना डालते हैं उतना ही चटनी जैसे बनने के लिए। आप इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार करनी है, और उसके बाद हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे यानी काला नमक जो होता है वो हम डालेंगे, और हमारा जो रेगुलर वाला नमक होता है वो हम थोड़ा सा डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें कम ज़्यादा कर लेना, वो सब आप पानी डालते वक्त भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए फिर से। ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लेंड करके रखा हुआ है। तो अब हम एक बाउल लेंगे, बड़ा सा पतीला लेंगे, और उसमें ये जो मिक्सचर हमारा बना हुआ है हम इसमें निकालेंगे। ये देखिए ये बहुत फाइन हो गया है, ज़्यादा भी फाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा मीडियम रख सकते हैं। उसके बाद ये लेमन जूस एक ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बिना आप पानी पूरी कभी मत बनाना। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे, और फिर हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। पानी डालने के बाद अगर आपका सॉल्ट कम ज़्यादा हो गया होगा तो आप उसे एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना, और अगर कम हो गया हो तो आप थोड़ा सा नमक डाल देना। ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा डालिएगा। उसके बाद हमें चाट मसाला या पानी पूरी मसाला 1 टेबल स्पून डालना है, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये पानी पूरी आप 1 घंटे बाद खाइएगा। अगर तुरंत खाइए तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद अगर इसको टेस्ट करके देखेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।